सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण के अंदर पाठ 7 वचन करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमें लिंग बदलो करवाए थे, वो आपने अच्छे से किए होंगे। आज हम वचन करवा रही हूँ मैं आपको, उसको आप अच्छे से समझोगे और अच्छे से करोगे। ठीक है, वचन क्या होते हैं? वचन क्या होते बेटा? संज्ञा शब्द के जिस रूप से, संज्ञा शब्द होता है बेटा किसी का नाम, कोई भी नाम हो, मेज, कुर्सी, बैग, दरवाजा, किसी भी व्यक्ति, कुछ भी नाम हो, तो शब्द से, संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह एक है या अनेक है। संज्ञा शब्द से बेटा यह पता चले कोई चीज एक है या एक से ज्यादा है, तो उसको कहते हैं वचन। क्या? वचन। संज्ञा शब्द से जिससे ये पता चले कि कोई चीज एक है या फिर एक से ज्यादा है, वो होते हैं वचन। वचन होते हैं हमारे टू टाइप्स के, दो प्रकार के। कितने? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन हमारे दो प्रकार के होते, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या होता है? एक वचन में किसी वस्तु के एक होने का पता चले, कोई वस्तु एक है, कोई भी चीज एक है, तो वो होती है हमारी एक वचन। संज्ञा के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कोई चीज एक ही है, तो वो होता है एक वचन। और संज्ञा के जिस रूप से ये पता चले कि कोई चीज एक से ज्यादा है, कई है, तो वो होता है बहुवचन। एक से अधिक होने का पता चले वो होता है बहुवचन। और जिससे एक का पता चले भाई कोई चीज है वो एक ही है, तो वो होता है एक वचन, और एक से ज्यादा है तो बहुवचन। देखिए, एक वचन में जैसे बस्ता, बस्ता है, एक ही बस्ता है, मेज, एक ही मेज है, तो वो हमारे एक वचन। ओके, तो बहुवचन, बहुवचन में आते जैसे बस्ते, बस्ते इसमें ये नहीं पता हमें दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं या फिर कितने हैं, तो बस्ते में तो बहुत सारे हो गए, एक से तो ज्यादा ही हो गए, तो बहुवचन हुआ ना बस्ते। मेजे, मेजे जैसे मेज है, एक मेज है, पता चल रहा है मेजे, मेजे से तो पता ही नहीं चल रहा हमें कोई चीज एक मेज है, सॉरी दो मेज है, तीन मेज है, पांच है, पचास है, पता ही नहीं चल रहा, तो एक से ज्यादा हो गई ना, तो बहुवचन। एक से ज्यादा के लिए बहुवचन और एक के लिए एक वचन। ठीक है, एक के लिए एक वचन और एक से ज्यादा के लिए बहुवचन यूज करेंगे। देखो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने, वो मैं आपको करवा रही हूँ और आपको अच्छे से याद करने। देखो, लड़का, लड़का का क्या आएगा? लड़के। लड़का का क्या आएगा? लड़के। बेटा, बेटे। बच्चा, बच्चे। पत्ता, पत्ते। तोता, तोते। लोटा, लोटे। देखो जो एक वचन है उनसे हमें अलग ही पता चल रहा कि ये चीजें एक ही हैं। पता चल रहा जैसे लड़का है, बेटा है, बच्चा है, तो इनसे पता चल रहा एक ही चीज है ये। भाई लड़का है वो भी एक ही है, बेटा है वो भी एक ही है, लेकिन जो बहुवचन में जो दिए हुए हैं सारे, उनसे ये पता नहीं चल रहा हमें वो दो हैं, तीन हैं, चार हैं, नहीं पता चल रहा ना। देखो लड़के, क्या पता हमें दो लड़के हैं, पांच लड़के हैं, दस लड़के, नहीं पता चल रहा ना, तो ये हमारे बहुवचन है। ठीक है, ये देखिए, दवात, दवाते। दवात से पता चल रहा है कि ये एक ही दवात है, दवाते, दवाते से तो पता ही नहीं चल रहा कि दवात दो है या फिर तीन है, पांच है, नहीं पता चल रहा। माला, मालाएं। माता, माताएं। कथा, कथाएं। लता, लताएं। ये जो इस तरफ है ये हमारे एक वचन और वो बहुवचन। ये आपकी बुक में भी आपको दिए हुए हैं, आप बुक में से देख के या फिर वीडियो में से देख के आप इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में भी राइट करना। जिसने नहीं राइट कर रखे वो नोटबुक में राइट करोगे, और जिसने नोटबुक में इसको राइट कर रखा है वो इसको अच्छे से लर्न करना बेटा। ओके, थैंक यू।